सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले दो बिगेस्ट गुड न्यूज़ के बारे में जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से निकल के आ रही है। तो जानने के लिए इस वीडियो को हमेशा की तंताजुद खराबी दिल्ली कैपिटल्स टीम के फ़ैन हैं और आप भी चाहते कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2023 की ट्रॉफी जीत जाए, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको दिल्ली कैपिटल टीम से जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको भी दिल्ली कैपिटल्स टीम की न्यूज़ सबसे पहले देखनी है तो भी आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए हमें टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे आपको दिल्ली कैपिटल्स टीम की न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। दोस्तों चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पहली बिगेस्ट गुड न्यूज़ के बारे में। तो हम आपको बता दें कि हमें T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें हम आपको बता दें कि हमें इस सीरीज में ऋषभ पंत वाइस कैप्टन के रूप में खेलते हुए दिखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमें इस सीरीज में रोहित शर्मा और केएल राहुल नहीं खेलते हुए दिखेंगे, इसी बात को देखते हुए ऋषभ पंत को इस सीरीज में वाइस कैप्टन बनाया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ऋषभ पंत हमें फ्यूचर में टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए दिखाई देने वाले हैं, इसी बात को देखते हुए टीम इंडिया चाहती है कि पहले हम ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बना दें ताकि वो कप्तानी के गुण सीख सकें। दोस्तों वहीं बात की दूसरी बिगेस्ट गुड न्यूज़ के बारे में, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी इंडिया में सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी की टूर्नामेंट खेले जा रहा है, जिसमें हम आपको बता दें कि हमें दिल्ली कैपिटल्स टीम के शानदार बॉलर चेतन साकरी की तरफ से बहुत ही शानदार बॉलिंग देखने को मिली है, जिसमें हम आपको बता दें कि उन्हें मुंबई टीम के खिलाफ बहुत ही शानदार बॉलिंग करी, जिसमें उन्होंने इस मुकाबले में 4 विकेट लिए थे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि चेतन साकरिया को आईपीएल 2022 में ज़्यादा मौके नहीं मिले थे, लेकिन हम आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम उनको आईपीएल 2023 में हर मुकाबले में खिलाने की कोशिश करना चाहेगी। तो दोस्तों दो बिगेस्ट गुड न्यूज़ थी जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से निकल के आ रही थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक आईपीएल 2023 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीत सकती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।